नमस्कार दोस्तों, अगर आप पटवारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपका एग्जाम आने वाला है, तो उसके लिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा है और कुछ छात्रों से मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने भी बताया किस तरह के क्वेश्चन परीक्षा में। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। मध्य प्रदेश में पंचायतों की बैठक कौन बुलाता है? वो बुलाता है सरपंच। सीधी सी बात है कि भाई सरपंच ही बुलाएगा पंचायत की बैठक, है ना। तो ये सिंपल क्वेश्चन था। चलिए बात करते हैं अब पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कब होती है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कब होती है? प्रत्येक 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की समीक्षा के लिए इसकी बैठक होती है या इसकी नियुक्ति होती है। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति 1977 द्वारा सुझाव। अब बात करते हैं अशोक मेहता समिति 1977 द्वारा सुझाए गए 2 स्तर कौन से हैं? तो वो है जिला पंचायत व मंडल पंचायत। इसको याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? वो अनुच्छेद 40 में इसका संबंध है। ग्राम पंचायतों का संबंध किससे याद रखना है आपको? अनुच्छेद 40 से। अब बात करते हैं पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया जाता है वो कहां से होता है, वो कैसे होता है, ये समझे। जनसंख्या के अनुपात में एवं चक्र अनुक्रम प्रणाली द्वारा पंचायतों में आरक्षण प्रदान किया जाता है, किस बा चक्र अनुक्रम प्रणाली द्वारा। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के लिए कहा गया, वो 243 अनुच्छेद में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद से क्वेश्चन गारंटी से आएगा, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ अगर आपने पटवारी एग्जाम का पेपर नहीं दिया है या देने वाले हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मध्य प्रदेश में प्रथम नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था, वो जबलपुर में 1664 में। अब बात करते हैं किसने पंचायती राज्य को देसी तथा प्राचीन सामुदायिक लोकतंत्र के समान बताया, आंसर है जयप्रकाश नारायण ने, है ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो वो है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन की बात करते हैं 73वें व 74वें संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है, मतलब 73वां और 74वां संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है, वो है जम्मू कश्मीर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा नोट करके रखें। अब बात करते हैं बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार किसको जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए, वो होता है जिलाधीश को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बलवंत राय और अशोक मेहता संबंधित क्वेश्चन आप बिल्कुल याद रख लें, आने वाले हैं परीक्षा में। अब बात करते हैं पंचायती राज संस्थाओं में महिला के लिए स्थान आरक्षण करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई पंचायती राज्य व्यवस्था है मान लीजिए, उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण का क्या उद्देश्य, क्या कारण है कि उनको हमें आरक्षण देना है? या बात करते हैं 73वें संविधान संशोधन को भारतीय संविधान के किस भाग में समाहित किया गया है, वो भाग 9 है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम लागू है, तो आंसर है नगर निगम अधिनियम 1961। अब बात करते हैं क्वेश्चन लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था की तुरंत शुरुआत की जानी चाहिए, किस समिति ने सिफारिश दी, वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सबसे, क्योंकि इसी समिति ने ही त्रिस्तरीय समिति की भी समीक्षा की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब तक के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।